Okay, today my topic is trigonometry. In the second video is trigonometric ratios of some specified angles. आपके कोर्स में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यानी कि आप साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, ये कहने का मतलब। पहले 2008 तक बच्चों को याद होता था, मैंने कह रहा हूँ कि आज भी बच्चों को याद नहीं होगा, जो स्कॉलर बच्चे होंगे उनको तो यह याद होगा ही होगा। आपका नाम देखो दिस अब देन हाउ, अगर बच्चों को जैसे 0 डिग्री की वैल्यू, जीरो डिग्री आपका साइन 0 0 होता, साइन 30 वन अपॉन टू, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, साइन 60 रूट 3 बाई टू और साइन 90 बाई टू। ये कई बच्चों को ऐसे आपका नाम याद नहीं होता है, तो अब आप उस समय क्या करेंगे, उस समय आप ये लास्ट है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़, ये जुगाड़ सिर्फ उनके लिए है जो पढ़ते नहीं है। आप क्या करेंगे, यू विल राइट द होल नंबर, होल नंबर्स को यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 1 2 3, देन इन होल नंबर्स को आपने क्या करना, रूट के अंदर आप रख दीजिएगा एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, इस लार्जेस्ट वैल्यू से आप सबको सेपरेटली यू डिवाइड करो, आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, देन 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ये आपका देखो अपॉन रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, आपका ये 1 का 1 ही होता अपॉन देखो आपका नाम जैसे रूट 2। अब ये इसको 4 को आप लिख सकते रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से 1 रूट 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2, ये आपका रेस्ट बचा। रूट 3 अपॉन द स्क्वायर रूट इज आपका नाम जैसे 2 और आपका 1 आपका ये। वैसे भी रूट 2 एंड रूट 3 ये आपके क्या इरेशनल नंबर्स हैं, रूट 2 की वैल्यू जो होती 1.414 होती, रूट 3 की वैल्यू जो होती 1.732 होती, बार ये भी याद रखना। एनी नंबर इज डिवाइडिंग 0 देन दैट इज 0, दिस इज 1 बाय 2, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज रूट 3 बाय 2 एंड दिस वन। सो आफ्टर जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस ऑल द फर्स्ट वैल्यू इज कमिंग ऑफ योर साइन, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1.2, साइन 45 की वैल्यू आपका नाम 1.2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 एंड साइन 90 की वैल्यू दैट इज 1। इज इट क्लियर? सो नाउ यू डू द रिवर्स, रिवर्स ये वैल्यू यानी कि ये इस वैल्यू को 0 के नीचे लिख दीजिएगा, इस वैल्यू को 30 के नीचे लिख दीजिएगा, 45 के नीचे 45 वाली वैल्यू रहेगी, दिस वैल्यू आपका यू कैन राइट 1.2, ये वैल्यू आपका नाम उसे, यानी कि ये जो वैल्यू है किसी की वैल्यू या रिवर्स करने पर दिस यू हैव डन व्हाट रिवर्स, सो दिस वैल्यू इज कमिंग कॉस, साइन एंड कॉस आर द फर्स्ट टू या स्मॉलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो कॉस 0 डिग्री ये जो साइन 90 की वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2 जो साइन 60 की वैल्यू है, साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों वैल्यू 1.2 पर, कॉस की ये जो 60 की वैल्यू थी ये साइन 30 की वैल्यू थी, कॉस ये जो 0 90 की वैल्यू वो होगी फिर साइन 0 की वैल्यू होगी, तो रिवर्स जब आप कर देंगे तो ये आपका इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर टेन के लिए भी आप बना सकते हैं, टेन के लिए मैं फिर बना देता हूँ सेपरेट आकर, यहाँ मैंने क्यों स्पेस छोड़ा है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब वैसे तो आपका नाम देखो सिंपल, आपको मैंने परसों एक ब्रह्म शास्त्र बताया था, यू नो दैट वॉज द क्वेश्चन टू व्हाट आई सेड टू यू अपन ऑन क्वेश्चन टू, कि एनी क्वेश्चन विच इज योर टेन थीटा एंड कॉट थीटा दे कैन बी चेंज इन टू लाइक दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को अपन ऑन यू कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब थीटा, थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 डिग्री है, नाउ 30 डिग्री है, यू हैव 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपने क्या लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल। अब आपको जैसे आपका टेन 0 डिग्री निकालना है, 0 डिग्री आपका साइन 0 अपॉन आपका देखो नाम जैसे और 0 हो गया, तो साइन 0 इज व्हाट 0 अपॉन फर्स्ट वैल्यू जो आपके टेन की आएगी, यानी कि टेन 0 आपके 0 आएगी अपॉन। नाउ आपको टेन 30 निकालना है क्योंकि थीटा अब 30 हो जाएगा, तो ये दिस इज साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ साइन दैट इज व्हाट 1/2,
एंड दिस इज व्हाट रूट 3 बाय 2 साइन 30 कॉस 30 बन गया। यहां पे फार्मूला लगता है ए बाय बी बाय सी बाय डी। इफ यू आर फोर रेशियोज आपके नाउ इन प्रोपोर्शन तो आपका ए डी अपॉन बी सी हो जाता है। तो दिस डी विल गो अप अपन जो 2 इनटू 1 अपॉन 2 इनटू रूट 3 ए बी सी डी द वैल्यू ऑफ 10 10 30 आपका। ऐसे आप 10 45 आपका फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी आपका साइन 45 अपॉन कॉस 45। सो नाउ इट इज 1 अपॉन रूट 2 एंड दैट इज आल्सो 1 अपॉन रूट 2 बोथ साइन 45 एंड कॉस 45 बोथ आर सेम। ओके ऐसे आपका यू हैव टू फाइंड आउट 10 16 तो 10 16 साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 दिस इज रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 अपॉन 2 बी एंड डी कैंसिल हो गया तो रूट 3 अपॉन 1 ये आपका ऐसे ये रूट 3 हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 10 90 मीन साइन 90 अपॉन आपका देखो कॉस 90। व्हाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट 1 अपॉन 0 इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 तो दैट आपका कम्स इंफिनिटी। बट समझ रहे हैं आप मेरी बात इज इट क्लियर? मेरठ से भी देख रहे होंगे आज आप मुझे। अब नाउ यू हैव टू डू द रिवर्स। इसको रिवर्स कर दीजिए यानी कि ये वैल्यू यहां लिख दीजिएगा यू राइट दिस वैल्यू हियर ये बोथ विल बी सेम इट विल गो हियर आप यहां पर तो ये जो रिवर्स आपने किए दैट वैल्यू इज ऑफ कॉट 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 0 डिग्री इंफिनिटी कॉट 30 1.3 कॉट 45 बोथ वैल्यूज आर सेम 10 45 कॉट 45 कॉट 4/1 कॉट 60 डिग्री 1.3 जो 10 30 होती है एंड कॉट 90 अप्लाई 0 हो जाती है। ऐसा क्लियर? अब यहाँ इसके नीचे आपका आप क्या कर सकते हैं कॉसेक को पहले निकल तो अब आपने रेसिप्रोकल पढ़ा है रेसिप्रोकल कल के फॉर्मूले याद करिए कि साइन आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपने तो अब आपको मुझे कॉसेक 0 निकालना है तो कॉसेक 0 1 अपॉन साइन 0 1 अपॉन साइन 0 इज व्हाट साइन इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इनफिनिटी आप समझ रहे मेरी बात क्लियर है सर? कहीं पे दिक्कत है तो बताइए या आप अपनी बुक में भी देखते रहिएगा। इज इट क्लियर? टेबल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में यही चीजें हैं सर सारी। अगर ये बच्चे को नहीं याद हुआ तो फिर कुछ याद नहीं होगा। इज इट क्लियर? ऐसे आपका cos sec 30 के लिए cos sec 30 इज 1 / sin 30 1 / sin 30 का मतलब 1 / 2 यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका लगेगा व्हेन ए इज सेपरेट एंड बी बाय सी सेपरेट सो इट कैन बी रिटन ए सी अपॉन बी दिस 2 विल गो अप नाउ 2 इक्वल अपॉन 2 सॉरी 1 या वैसे भी क्रॉस होना अपॉन 2 प्लस ये ऊपर हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा आपका कैसे कोसेक 45 तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल 1 अपॉन साइन 45 आपका 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 द सेम फॉर्मूला यू हैव टू होल्ड हियर इट विल गो अप रूट 2 इंटू 1 अपॉन 1 हो गया। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा साइन 60 के जो वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3 हो गया ऐसे बाय दिस फॉर्मूला यानी आपका कितना हो जाएगा साइन आपका कोसेक 90 तो कोसेक 90 का मतलब 1 अपॉन साइन 90 तो 1 अपॉन 1 3 इसको यू डू द रिवर्स ये कर दिस वैल्यू यू राइट है यू राइट दिस हियर these both are same you write this this value will be of your sec जो आपका क्या है cos का reciprocal है got it ये आपकी value आपका ऐसे बनती है लेकिन अब मैं आपको tan और cot की separate बता दूँ separate how will you make a separate tan तो जैसे ये 0 degree आपने लिखा 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree sin में क्या किया था आप यहाँ देखिए इसमें भी होल नंबर यू होगा होल नंबर्स आपने लिखा 0 1 2 3 4 देन यू हैव रिटन इन साइड द स्क्वायर रूट ये आपने लिखा देखो ठीक है सर। अब जो बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू में से अपनी ओन वैल्यू को माइनस कर दीजिए बड़ी वैल्यू में से अपनी ओन वैल्यू को माइनस कर दीजिए देखो बड़ी वैल्यू में से अपनी ओन वैल्यू को माइनस कर दीजिए बड़ी वैल्यू में से अपनी ओन वैल्यू को माइनस कर दीजिए बड़ी वैल्यू में से अपनी ओन वैल्यू को माइनस कर दीजिए 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा 4 का
वन का स्क्वायर रूट वन अपॉन ये देखो रूट थ्री हो गया। ये रूट टू फोर माइनस टू का होता है रूट टू से रूट टू कैंसिल या करेंगे ये रूट थ्री है सर और ये आपका रूट वन है सर एंड आपका फोर अपॉन ये फोर का टू अपॉन आपका जीरो जीरो अपॉइंट टू इज देखो आपका दोनों को देख लीजिए आप जीरो पॉइंट टू इज जीरो आपका दिस इज ओके ना ये भी ठीक है रूट थ्री अपॉन रूट वन का वन ही होता तो रूट थ्री अपॉन वन तो रूट थ्री आपका एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो फर्स्ट वैल्यू वीच आर गेटिंग ये आपका टेन पॉइंट टेन जीरो डिग्री टेन थर्टी डिग्री वन अपॉन रूट थ्री टेन फोर्टी फाइव डिग्री सॉरी रूट टू सॉरी रूट टू ये रूट टू नीचे था कट करने पे मैंने जीरो लिख दिया सॉरी फॉर दैट तो ये आपका रूट टू अपॉन रूट टू वन था ये नाउ टेन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री ये रूट और टेन नाइनटी रिवर्स कर दोगे तो ये आपका कॉट का बन जाएगा ये कॉट का बन जाएगा इसका रूट यहाँ लाइए यू ब्रिंग दिस हियर ये आपका इट्स गोइंग हियर तो दिस ये कभी कभी क्या होता है कि आजकल के बच्चों को ये याद नहीं होता कितने परसेंट को याद होती है आप अपनी क्लास में देख लीजिए इफ़ यू हैव ए 50 स्टूडेंट्स 50 में से 10 को याद हो गया तो ये भी मिरेकल है तो ना फर्स्ट यू लर्न इट बाय हार्ट मैंने कहा 10:30 कितना होता आप सर वन अपॉन रूट थ्री मैंने कहा साइन 60 कितना होता आपने कहा सर रूट थ्री बाई टू गॉट इट तो ये टेबल आपके बिल्कुल जो स्पेसिफाइड एंगल्स आपके पास ये जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 इसके अलावा भी इन दोनों एंगल्स को आप जोड़ देंगे 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं आप 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं इनके डिफरेंस को इनके सम को देखो इसका आपका सम हो गया 105 डिग्री ये आपका डिफरेंस हो गया 60 आपका ना 90 में 60 गया 30 आ गया 90 प्लस आपका ये 150 डिग्री को भी आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे निकालेंगे इसको आप ऐसे निकालेंगे किसी भी साइन 45 डिग्री और प्लस 30 अब आप कहेंगे सर इसमें फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा सर अगर आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री पास होने लायक तो फिर पास होने लायक ही करिएगा सर तो ना साइन ए प्लस बी जी बढ़ साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी ये आपने किया अगर देखो ये ए और ए आपका ए बी अब आपका देखो ना ए तो साइन आपका 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री ए साइन ए प्लस ए ए बी आपका देखो यहाँ वैल्यू रखिए कॉस आपका देखो 45 डिग्री एंड साइन ऑफ करेंगे 30 डिग्री ये आपका वन अपॉइंट रूट टू ऊपर टेबल देखते ही जाएंगे ये रूट थ्री बाई टू और ये वन अपॉइंट रूट टू ये वन अपॉइंट टू तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर रूट थ्री वन जा रूट थ्री अपॉन टू रूट टू और प्लस वन वन जा वन वन अपॉइंट टू रूट टू न्यूमरेटर आपका इनका एलसीएम ले लेंगे टू रूट टू आपका जो बनेगा रूट थ्री और प्लस दैट मीन साइन 75 की जब समबडी के लिए आस्क यू दैट आपका रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू एक्स्ट्रा बनना है तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ये मैंने बार बार कहा यू ऑल्सो सपोर्ट मी आपका नाउ दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज सो नाउ सीडलिंग को प्रमोट करिए इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हल्द्वानी एंड हो सकता है कि दिल्ली में भी मैं ही था मुझसे पहले कोई नहीं था अब तो नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में दुनिया भर के लेकिन आप नारायणा गाँव में पूछोगे अगर आप तो वहाँ सबसे पुराना इंस्टीट्यूट सीडलिंग मेरा ही रहा आपका नाम रुद्रपुर में भी मेरा ही रहा हल्द्वानी भी मेरा लेकिन अब कुछ नहीं कह सकता हूँ बाकी आपका